हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केयर्स के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वीवो Y27 में आप फाइल्स को कैसे हाइड कर सकते हैं, मतलब फ़ोटोज़, वीडियोज़ और ऑडियोज़ को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है फ़ोटो हाइड ऐप। इसके बाद दोस्तों आपको इस वाली ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल कर लिया और यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर जो ऑडियो मैनेजर लिखा है यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। तो आपको पिन और पासवर्ड सेट करने की ऑप्शन मिल जाएगी, तो मैं पिन लॉक सेट कर लेता हूँ। पिन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर पिन एंटर कर देना है और सेव पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक कर देना है और इसके बाद स्किप और ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ से इसे अलाउ कर देना है। तो अब आपको फिर से ऑडियो मैनेजर पर लॉन्ग प्रेस करना है, पिन एंटर कर देना जो हमने सेट किया था और इसके बाद ग्रांट परमिशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसी ऐप को सिलेक्ट करके परमिशन दे देनी है, इसे अलाउ कर देना है इसे और बैक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ऐप ओपन हो चुके हैं। ये सभी जो हमने परमिशन वगैरह दी एक बार के प्रोसेस से बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको पिक्चर्स हाइड करके दिखाता हूँ। पिक्चर्स पर क्लिक करना है, फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है और ऊपर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, गैलरी। तो गैलरी से आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, नीचे हाइड सिलेक्टेड फाइल्स पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। तो फ़ोटो हाइड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप लॉन्ग प्रेस करके से नीचे अनहाइड पर क्लिक कर देंगे तो अनहाइड कर सकते हैं। ऐसे आप सेम प्रोसेस से वीडियोज़ ऑडियोज़ भी हाइड कर सकते हैं।